नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आज जनपद बहराइच में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित जनसभा में अखिलेश यादव के सामने मोहम्मद अब्दुल्ला ने आज समाजवादी पार्टी में अपने 500 लोगों के सदस्यता ग्रहण किया है शामिल हुए। उन्होंने बहराइच सदर और मटेरा विधानसभा के प्रत्याशी को वोट देकर जिताकर अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने को कहा है। आगमन पर जो है समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, क्या सोच करके आज समाजवादी पार्टी में आ गए? आज मैंने जनपद बहराइच में समाजवादी पार्टी का जो आज सम्मेलन था उसकी जो आज मीटिंग हुई थी उसमें मैंने माननीय अखिलेश यादव के सम्मुख समाजवादी पार्टी को ग्रहण किया है। इससे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी का मैं सदस्य था। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य बना हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं जीवन पर्यंत समाजवादी परिवार से जुड़ा रहूँगा और इसकी सेवा करता रहूँगा। आखिर क्यों समाजवादी जो फैसला लेना पड़ा आपको? आज पूरे प्रदेश में आम चुनाव हो रहा है, आवश्यकता और प्रदेश का जो माहौल बनाया जा रहा है, जो नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, आदमी आदमी में विभेद किया जा रहा है, इंसान इंसान में विभेद किया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी ऐसी सरकार होगी, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जो अपने लोगों में अपने नागरिकों में विभेद करे। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों में विभेद कर रही है, अपने नागरिकों में विभेद कर रही है। कौन सा ये राष्ट्रप्रेम की बात करते हैं? मैं कहता हूँ कि ये राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से आज ये जो चुनाव हो रहा है कुशासन के बीच में और सुशासन के बीच में हो रहा है, इंसाफ और नाइंसाफी के बीच में हो रहा है, और इसी को देखते हुए मैं समाजवादी पार्टी के सुशासन को उसकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और मैं जीवन पर्यंत इस पार्टी में रहूंगा। आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव ने जो वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर अभियान चला रखा है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, वो किस हद तक कामयाब होगा? देखिए, ये देश हमारा जो है ये गंगा जमुना तहजीब का एक मरकज रहा है। पूरे विश्व में ये एक अनूठा ऐसा ये केंद्र है। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, मैं मात्र उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा भारत हमारा। हम आपस में सदियों से रहते चले आए हैं, हम भाई भाई की तरह रहते चले आए हैं, हमारा एक भाईचारा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी उस भाईचारा को समाप्त करने का काम कर रही है, उस भाईचारा को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। हम उसके खिलाफ लामबंद हैं। हम समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके लोगों में भाईचारा बढ़ाएंगे, लोगों में आपसी प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगे, और हम हिंदू मुसलमान जो सदियों से वर्षों से साथ रहते आए हैं, हमारा खान पीन हम एक साथ रहा है, हम पले बढ़े एक साथ हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उसको तोड़ने का काम कर रही है। वो जो साजिश रच रही है उस साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे। इस विचारधारा से प्रभावित होके, समाजवादी पार्टी की इस आइडियोलॉजी से प्रभावित होके मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। आपके साथ कितने समर्थक ज्वाइन किए समाजवादी पार्टी को? हमारे साथ लगभग 500 लोग जो ज्वाइन किए हैं, और लोग जो शायद नहीं आ पाए हैं वो आगे ज्वाइन करेंगे। एक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। क्या लगता है इस संख्या को हजारों में करोगे? हाँ, ये हजारों की संख्या होगी और उससे भी ज्यादा हो सकती है। बहराइच जनपद के अंदर कद्दावर युवा नेता कहलाते हैं बहराइच की राजनीति में। आपकी समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने के बाद में सपा को कितना बड़ा लाभ मिल सकता है? सपा क्या बहराइच की कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए, मैंने छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। सबसे पहले हम लोग आरिफ भाई के साथ रहा करते थे, फिर आरिफ भाई यहाँ से चले गए, आज वो राज्यपाल हैं। उन्होंने सक्रिय राजनीति को भी त्याग दिया। देखिए, कितना लाभ होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भारी बहुमत से आने वाली है, इसको अब कोई रोक नहीं पाएगा। ये चुनाव 70 सालों में ऐसा चुनाव नहीं हुआ है जो ये चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव अपने आप में तारीफ करेगा, इतिहास बनाएगा, और भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक ताकत जो सांप्रदायिक शक्तियों को नेस्तनाबूद करने का ये चुनाव है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आगे आने वाला चुनाव प्यार और मोहब्बत का पैगाम देगा, विकास को बढ़ावा देगा और विकास को गति मिलेगी। आज से आप बहराइच में जो है प्रत्येक विधानसभा का दौरा करना शुरू कर देंगे, आज ही से क्या? आज से जो हमारा कार्यक्रम है, अभी हम बहराइच विधानसभा में आज हम
जो पूरा आज का समय है बहराइच विधानसभा में रहेगा, उसके उपरांत मटेरा और अन्य जो विधानसभाएं हैं बहराइच की 7वीं विधानसभा में हमारा जाने का कार्यक्रम है। हमें पूरा समय, पूरा अपना जो मैक्सिमम जो हम अपना दे सकते हैं वो हम पार्टी को देंगे, ये हमारा संकल्प है। और युवाओं को जोड़ेंगे, और जो हमारे साथ जो युवा है हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को तरजीह देंगे, उनको मान्यता देंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे, उनको पार्टी से मिलाने का काम करेंगे, प्यार मोहब्बत का पैगाम देने का काम करेंगे, ये हमारा संकल्प है।